बाजार, लाल बाजार लॉकअप में अभी हम लोग को लाया गया है। कलकत्ता पुलिस कहाँ से? निजाम पैलेस से। निजाम पैलेस से कलकत्ता पुलिस हम लोगों को लाल बाजार में लेके आया है। हम लोग का गुनाह यही है कि हम लोग सीबीआई दफ्तर को घेराव किए थे आज, और घेराव एक ही मुद्दा था जो हमारे हाई कोर्ट के जस्टिस बोले कि सीबीआई पर भी भरोसा अब हम लोगों को कम हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से नेता मंत्री एमएलए स्कूल सर्विस कमीशन के बच्चों के साथ अन्याय किया है, करोड़ों करोड़ों रुपये चोरी किया है, इसके खिलाफ में सीबीआई का आज एक पश्चिम बंगाल जनता के सामने दूध का दूध पानी का पानी करना होगा। इसके लिए देरी हो रहा है, इसके लिए आज का हम लोग का घेराव था, लेकिन बेशरम कलकत्ता पुलिस जिस तरीके से राजीव कुमार को बचाया गया था, आईपीएस राजीव कुमार को, कलकत्ता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को, उसी तरीके से हम लोग को शक है कि बहुत सारे मंत्रियों को बचाया जाएगा। तो हम लोग सिटिंग और सेटिंग दोनों नहीं चलने देंगे। इसी के लिए आज हम लोग रात 11:30-12 बजे हम लोगों को धर के लाया गया है। सबसे बड़ा दुखद शर्मनाक कि लाल बाजार पुलिस हम लोग की बहन मोमिता सरकार को भी लेके आई है, जबकि रात शाम 6 बजे के बाद कानून में औरत लोगों की गिरफ्तारी नहीं है, औरत लोगों को गिरफ्तारी नहीं है, लेकिन हम लोगों के लिए इन लोगों के पास कानून तोड़ना कोई बड़ा बात नहीं है। तो हम लोगों का तकरीबन 50 लोग को यहाँ पर लाके लाल बाजार लॉकअप में रखा जा रहा है। हम लोग डरने वाले नहीं है, हम लोग कोई पाप अन्याय नहीं किए हैं, हम लोग पाप अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं और भविष्य में भी लड़ेंगे। भारत माता की जय।